हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से रणबीर कपूर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म। जी हाँ, बात कर रहे हैं एनिमल को लेकर, जो कि इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी एडल्ट फिल्म है जिससे कि इतना बेहतरीन रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बन सकती है बॉलीवुड सिनेमा की सेकेंड हायर ग्रॉसर पठान और जवान को पीछे करते हुए। क्या लगता है आपको, क्या वाकई इस फिल्म में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि ये फिल्म आने वाले टाइम में 300 करोड़ रुपए और कमा पाए। आपकी राय आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बताना चाहेंगे कि अभी तक 14 दिनों के अंदर अंदर फिल्म का अपडेटेड कलेक्शन आ रहा है 790 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर, जिसमें कि फिल्म आज भी हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से कलेक्शन कर रही है 10 करोड़ की रेंज में। तो वहीं पर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही। अब ऐसे में बात करें फिल्म के अभी तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि हो चुका है 792 करोड़ प्लस, और इस फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 490 करोड़ प्लस, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ये फिल्म बन चुकी है रणबीर कपूर के करियर की हायर ओपनर, हायर ग्रॉसर, और कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वंगा के करियर की भी हायर ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। ऐसे में आप लोगों ने एनिमल देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस कैसे लगे, आपकी राय आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और फिल्म आपने देखी तो आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।